हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में यूएस के द्वारा लिए गए एक निर्णय के बारे में, जो कि पाकिस्तान को लेकर है। और पाकिस्तान को लेकर जो निर्णय लिया गया है वो भारत को इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भारत के फेवर में वो निर्णय नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर आपको इस एडिटोरियल की PDF, साथ ही साथ इस वीडियो की, आगे आने वाली वीडियो की लिंक भी वहां पर आपको मिल जाएगी। द पाकिस्तान फैक्टर शुड नॉट अंडरमाइन इंडियाज़ क्लोज सिक्योरिटी टाई विद द US। तो पाकिस्तान का फैक्टर इस चीज़ को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि इंडिया की क्लोज सिक्योरिटी टाई है किसके साथ, US के साथ। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि हाल ही में US के द्वारा एक डिसीजन लिया गया। इंडिया अंडरस्टैंडेबली अपसेट विद US डिसीजन टू रिफर्विस द F-16 फाइटर फ्लेट ऑफ पाकिस्तान। तो हाल ही में US ने क्या कहा कि US ने 1980 के दशक में F-16 फाइटर जेट, जो कि लड़ाकू विमान होते हैं, वो पाकिस्तान को बेचे थे। अब उस पाकिस्तान को क्या करता है, जब भी कोई कंट्री ऐसी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दूसरे देश को देता है तो वो रेडीमेड चीज़ें देता है। सपोज अगर लड़ाकू विमान अमेरिका ने दिए तो उसने रेडीमेड जो पूरे के पूरी तरह से मैन्युफैक्चर अमेरिका में हुए, जिनका साजो सामान अमेरिका में बना है, जिनका सॉफ्टवेयर भी अमेरिका में है और अमेरिका के पास ही उसकी की होगी, बस वो एक रेडीमेड बना के दे देते हैं। तो उनको क्या होता है कि साल दर साल उनकी रिपेयरिंग का काम चलता है। चाहे कभी इंजन ख़राब हो गया तो US से लोग आएंगे, US ही उस चीज़ को सही करेगा, ना कि पाकिस्तान अपने आप से, खुद पाकिस्तान या कोई और कंट्री कर लेगा। तो पाकिस्तान को बेचे थे। तो अभी हाल ही में US ने कहा कि हम 450 मिलियन की सहायता दे रहे हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को क्यों, पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर फ्लीट हैं उनको क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मतलब जो गड़बड़ी है या जो भी है, और रिपेयर, मतलब सीधी सी बात है, रिपेयरिंग कर रहे हैं। द फ्लीट हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स सिंस द अर्ली 1990s, अपग्रेडेड एंड रिप्लेस्ड पीरियडिकली। तो यहाँ पर 1980 के दशक से पाकिस्तान की एयर फोर्स की ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान रहे हैं, बैकबोन रहे हैं, और ये समय समय पर इनको अपग्रेड करता रहा है अमेरिका और उनको ठीक करता रहा है। एज द पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज grew over the year, including and particularly in the defense sector, India continuously raised its concern on this account with US interlocutors. तो यहाँ पर जैसे जैसे US और पाकिस्तान के किसी भी सैन्य या हथियारों को लेकर, या सैन्य मतलब होती ना युद्धाभ्यास होते हैं, उनको लेकर जब भी वार्ता हुई या जब भी संबंध बने पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर, तो भारत ने अपने कंसर्न अमेरिका के साथ, इंटरलोकेटर होते हैं वार्ताकार, जो समकक्ष वार्ताकार होते हैं, उनके साथ अपनी चिंताएं जाहिर की अमेरिका के साथ कि भाई आप पाकिस्तान को क्यों मदद कर रहे हो जबकि वो आतंकवाद फैलाता है। सक्सेसिव US एडमिनिस्ट्रेटिव हैव मेंटेन दैट द डिफेंस पार्टनरशिप विद पाकिस्तान विच इज़ अ मेजर नॉन नेटो एली इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेरर अ पॉइंट कंटेस्टेड बाय द इंडिया। तो यहाँ पर और US एडमिनिस्ट्रेशन ने मेंटेन की पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस में, मतलब जो सैन्य संबंध थे या जो डिफेंस सुरक्षा संबंध थे, हथियारों को बेचना और ये सब करना, विच इज़ अ मेजर नॉन नेटो एली, जो कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नॉन नेटो एली है। नॉन नेटो एली मतलब अगर नाटो राष्ट्र है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल मतलब नाटो का सदस्य होता तो एक बात अलग होती कि हाँ US बाध्य है, लेकिन ये नॉन नेटो मेंबर है और फिर भी US मदद कर रहा है, तो ये अलग चीज़ निकल कर सामने आती है। और ये इंडिया के द्वारा कई बार उठाया गया कि ये एक विवादास्पद मुद्दा है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। इन 2016 द US कांग्रेस स्टेल्ड ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू गिव मोर F-16 फाइटर टू द पाकिस्तान। तो यहाँ पर 2016 की बात है, जब ओबामा राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने कहा कि भैया हम पाकिस्तान को और F-16 फाइटर जेट देने वाले हैं। तो वहाँ की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस मतलब होती है संसद, उसने इस
प्रस्ताव को खारिज कर दिया। न्यू दिल्ली एप्रिसिएशन कम ट्रू इन फरवरी 2019 अ डे आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक बाई इंडियन एयरफोर्स व्हेन पाकिस्तान डिप्लॉय इट्स F-16 टारगेट इंडियन मिलिट्री बेस क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ की जो इंडिया की जो आकांक्षाएं थी है, जो अंदाजे थे वो कब सही हो गए, सही साबित हो गए, जब 2019 में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के टेरर कैंपों के ऊपर। उसके जवाब में पाकिस्तान ने अमेरिका के द्वारा दिए गए F-16 को यूज़ किया और भारत के मिलिट्री बेस पर हमला करना शुरू कर दिया था। द इंडियन आर्मी रिकवर्ड ड्रिवर्स ऑफ द एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर्ड बाय द F-16। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने रिकवर जो भी उनका मलबा गिरा था, क्योंकि लड़ाकू विमान था उसको हमारी इंडियन आर्मी ने उसको गिरा दिया, तो उससे जो मलबा मिला, जो उससे मिसाइलें दागी हैं, उन सभी को जब पता लगाया गया तो वो F-16 का था। ऑन September 7 द US डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी नोटिफाइड अ पॉसिबल फॉरन मिलिट्री सेल्स वर्थ $450 million फॉर इंजन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड एंड स्पेयर्स फॉर द पाकिस्तान F-16। तो यहाँ पर 7 सितंबर की बात है, 7 सितंबर 2022 की बात है कि US ने अभी एक नया नोटिफिकेशन निकाला, उसके तहत ये कहा कि पाकिस्तान के जो F-16 लड़ाकू विमान है उनका इंजन की कोई ख़राबी हो, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना हो, तो ये सब चीज़ें वो करेगा। वो टोटल $450 million की ये रकम है। थ्रू इट सेट दैट द प्रपोज्ड सेल डज नॉट इंक्लूड एनी न्यू कैपेबिलिटी वेपन और म्यूनिशंस टू मूव क्लियरली मार्क अथो द US एटीट्यूड टूवर्ड द पाकिस्तान। और यहाँ पर उसने ये कहा कि भैया प्रपोज्ड सेल है वो किसी भी प्रकार की नई चीज़ों को सेल नहीं कर रहा है बल्कि रिपेयर कर रहा है। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हैज चोजन टू मेंटेन इट्स साइलेंस ऑन द इशू अनलाइक इट्स पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ समनिंग द US एम्बेसडर इन 2016। तो यहाँ पर जब 2016 में ओबामा प्रशासन ने जब फाइटर जेट देने की बात कही पाकिस्तान के लिए, तो उस समय इंडिया ने बाहर निकल कर पब्लिकली US का विरोध किया था। लेकिन अभी की बात करें तो जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने अभी साइलेंस मेंटेन करके रखा है, पब्लिकली अभी कुछ नहीं कहा इस मूव के बारे में। द US मूव स्ट्रेन इट्स रिलेशनशिप विथ इंडिया विच हैज़ बीन मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड थ्रू इट नॉट विदाउट ऑब्स्टिकल। तो यहाँ पर जो भारत और US के जो रिलेशन है उनमें तनाव पैदा होगा US के इस मूव से। न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन हैव बीन स्किलफुली मैनेजिंग देयर डिफरेंस ओवर द पाकिस्तान अफगानिस्तान क्राइसिस द यूक्रेन क्राइसिस एंड लिंगरिंग थ्रेट ऑफ द US सेंक्शन अंडर इट्स काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू द सेंक्शन एक्ट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन ने दोनों के सामंजस्य बना के रखा है, क्योंकि आपको मालूम होगा अफगानिस्तान को लेकर भारत का अलग रुख था, अमेरिका का अलग रुख था, अमेरिका तालिबान का पक्षधर था, भारत तालिबान का विरोधी था। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में भारत ने किसी का साथ नहीं दिया, इसका मतलब इनडायरेक्टली रसिया का साथ दिया, लेकिन US यूक्रेन का साथ दे रहा है, या फिर ये कहा जाए कि ये पूरे का पूरा षड्यंत्र अमेरिका की ही करतूतों का परिणाम है कि आज पूरा यूक्रेन जल रहा है। तो यहाँ पर इन सभी जगहों पर भारत और अमेरिका ने मेंटेन बना के रखा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि US के जो सेंक्शंस थे उसके तहत ये था कि अगर US ने कोई सेंक्शन किसी राष्ट्र पर लगा दिए, उस राष्ट्र से अगर कोई दूसरा राष्ट्र कोई चीज़ परचेस करता है, जैसे कि रसिया पर सेंक्शन लगाए हुए हैं और रसिया से हम ऑयल परचेस कर रहे हैं, तो भारत को US ने उसमें वेवर दे रखा है, नहीं तो वो सेंक्शन भारत पर भी अप्लाई हो जाते। इसका मतलब भारत पर US से व्यापार नहीं कर पाता, जब भारत US से व्यापार नहीं कर पाता तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती, जैसा कि अभी ईरान और वेनेजुएला का हाल है। भारत का इतना बुरा हाल नहीं होता, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति तो गड़बड़ाती है, क्योंकि आजकल जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जैसा सामंजस्य अभी तक बना के रखा है वो बहुत स्किलफुली इस चीज़ को मैनेज किया। वॉशिंगटन्स न्यू वॉर्म्थ विद इस्लामाबाद ऑल्सो कम एमिट फ्लरी ऑफ इंडिया US डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एंगेजमेंट। तो यहाँ पर US का जो डिसीजन है वो कब आया है, जब इंडिया और US
कई मुद्दों पर एक दूसरे के साथ चर्चा और सैन्य भारत और यूएस की जो मिलिट्री है वो सैन्य अभ्यास करने जा रही है। इसी बीच यूएस ने ये निर्णय निकाल दिया या नोटिफिकेशन निकाल दिया, इंडिया एंड यूएस हैव कमिटेड टू डीपनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बट द इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान डैम्पनिंग दैट स्प्रेड। तो यहाँ पर यूएस और भारत दोनों की दोनों इस चीज़ के लिए कमिटेड हैं कि जो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको और बढ़ाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री इस पर प्रभाव डालेगी या कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा प्रभावित करेगी। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैड ट्राइड टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी फॉर डुप्लिसिटी इन द अप्रोच टूवर्ड द टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स टेरिटरी विच अमाउंट टू रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द बाउंड हाउंड। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था उसने प्रयास किया था कि पाकिस्तान को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए कि पाकिस्तान दो मुही बात करता है, आतंकवाद भी फैलाता है और दूसरी तरफ क्या करता है, ये शो भी करता है कि भाई वो आतंकवाद नहीं फैला रहा है। टू स्टे इन अफगानिस्तान द यूएस नीड पाकिस्तान। अब जब यूएस अफगानिस्तान में था उस समय पाकिस्तान की ज़रूरत थी, नाउ टू स्टे अवे फ्रॉम अफगानिस्तान इट नीड पाकिस्तान इवन मोर। तो यहाँ पर अब यूएस जो है पाकिस्तान से अफगानिस्तान से बाहर हो गया है तो उसे पाकिस्तान की और ज़रूरत है, क्योंकि एशिया में साउथ एशिया में उसको अगर पांव रखना है तो वो यहीं रख सकता है। वाइल द यूएस मे हैव इट्स रीजन टू कीप पाकिस्तान यूमोर एंड इंसेंटिवाइज इंडियाज कंसर्न आर इमीडिएट एंड रियल। तो यहाँ पर पाकिस्तान यूएस का पाकिस्तान को इस प्रकार से ट्रीट करना, उसकी सपोर्ट करना, उसके अपने मुद्दे हैं, अपने इशू हैं, लेकिन इंडिया का जो कंसर्न है वो बहुत ही रियल और इमीडिएट है, मतलब इंडिया के कंसर्न बहुत तुरंत वाला है और बहुत ही रियल है। टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया हैज़ बीन पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी फॉर डिकेड। और यहाँ पर भारत के खिलाफ आतंक फैलाना ये पाकिस्तान की बहुत लंबे समय से, कई दशकों से स्टेट पॉलिसी रही है। स्टेट पॉलिसी मतलब वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है। फार फ्रॉम सीकिंग अकाउंटेबिलिटी द यूएस इज रिवार्डिंग पाकिस्तान एंड मोर ऑन द सेम लाइन मे इन द ऑफिंग। तो यहाँ पर यूएस का उसे जिम्मेदार ठहराना तो दूर बल्कि उसकी मदद करना ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को अफेक्ट करेगा, वो भी सेम लाइन पे। इंडिया एंड द यूएस नीड टू वर्क टू एंश्योर दैट स्पेक्टुलेटर गेन मेड इन बायलेटरल टाई आर प्रिजर्व एंड नरिश्ड। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के लिए प्रयास करना चाहिए कि उनके जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो और घनिष्ठ हों और उनका भविष्य में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों, तो इस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।